Good morning everyone. Today we are going to start the income tax class. So it is our first class, and in this class I would like to tell you the brief history of income tax and introduction of tax, and we will also see in this class what is the meaning of tax and what are the types of tax and on what heads the tax is charged and calculated. So let's begin this class with a brief history of income tax. So as you know that the taxes started in the year 1860 by Sir James Wilson. So यहाँ पे एक ब्रिटिश रूलर थे जेम्स विल्सन. एज यू नो दैट इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश. सो ही इंट्रोड्यूस्ड द टैक्स फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1860 टू रिकवर द लॉसेस अगेंस्ट मिलिट्री म्यूटिनी इन 1857. अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्चुअली जो जेम्स विल्सन ने जो भी मिलिट्री के अगेंस्ट में जो लॉस होता था जब टू कंट्रीज़ के बीच में कोई वॉर होता था, कोई बैटल्स होती थी, ऑब्वियसली एक कंट्रीज़ को लॉस होता था, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए या तो नेचुरल डिज़ास्टर होने के बावजूद कुछ लॉस होता था कंट्री को, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने टैक्स को इंट्रोड्यूस किया. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए इस एक्ट में, फिर जाकर फाइनली जो इनकम टैक्स आ गया वो 1961 में जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए गए हैं और जो एग्जिस्टेंस में आ गया वो फर्स्ट अप्रैल 1962 को विच केम इनटू द फोर्स. सो दिस इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट इनकम टैक्स. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स. सो हियर व्हाट इज इनकम. एज यू नो दैट वी हैव द फाइव टाइप्स ऑफ इनकम इन द इनकम टैक्स, दैट इज द फर्स्ट सैलरी, सेकेंड बिजनेस और प्रोफेशन, थर्ड कैपिटल गेन, एंड फोर्थ वन इज द हाउस प्रॉपर्टी, एंड लास्ट वन इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम. इनकम मीन्स मनी रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और बिजनेस after providing the goods and service to the particular person. On this total income we calculate the tax. So here after providing the goods and service you will get something in exchange for that, so that's called as a income. For example, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं एज अ एम्प्लॉय के तौर पर तो मंथली आपको सैलरी मिलती है, उसे हम इनकम कहते हैं. जैसे कैपिटल गेन में जब आप शेयर्स या तो डिबेंचर्स या तो आपकी जो गोल्ड ज्वेलरीज है सेल करेंगे या आपकी प्रॉपर्टी है सेल करेंगे तो उस पर भी आपको कुछ प्रॉफिट लगेगा, उसको हम इनकम कहते हैं. या बिजनेस या प्रोफेशन हाउस प्रॉपर्टी से हमें रेंट आता है तो दिस इज़ कॉल्ड एज इनकम. तो इस इनकम पे हमें टैक्स को कैलकुलेट करना होता है. But we are going to understand only the meaning of income. So remember, this is called as income. Then the second one is what is income tax. So these are the five heads. So let's understand what do you mean by the income tax. When our income exceeds the limit, for example, अब यहाँ पे हमारे पास एक सैलरी है. अगर सैलरी की लिमिट तो या तो ईयरली आपकी जो डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स में 2.5 जो 2.5 लाख की अगर आपकी सैलरी है या तो 2,50,000 आपकी सैलरी है या 5 लाख तक अब बढ़ चुकी है टोटली, तो उस पर 5% हमें टैक्स देना होता है. तो यहाँ पर डिफरेंट हेड्स हैं. अगर उसकी लिमिट्स क्रॉस हो जाती है तो लिमिट से एक्सीड द लिमिट्स हो जाती है तो उस पर हमें टैक्स को पे करना होता है. टैक्स इज अमाउंट्स विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम ऑफ दीज हेड्स such as salary, business and professions, capital gain, house property and income from other source. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो tax लगेगा इन five heads पर tax लगेगा, उस tax को calculate करके हमें government को pay करना होता है. Now the third point, that is who is an SSE. तो SSE कौन है. So SSE is the person who liable to pay tax is called an SSE. SSE एक पर्सन होता है जो टैक्स पे करने के लायबल होता है. मान लीजिए अगर उसकी इनकम चाहे सैलरी हो या बिजनेस एंड प्रोफेशन हो या तो आप इनकम फ्रॉम रेंट हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या अदर सोर्स, किसी भी हेड से उसकी अगर इनकम आती है, अगर वो लिमिट को क्रॉस करती है
या उसकी सैलरी उस लिमिट से भी ज़्यादा होती है तो उसको टैक्स पे करना होता है, तो उस पर्सन को हम एसएससी कहते हैं। तो नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर। सो बिफोर दैट हियर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, सो टैक्स इज द अमाउंट पेड बाय द पर्सन और एसएससी ऑन गुड्स प्रॉपर्टी बिजनेस और सर्विस और इंडिविजुअल्स। एंड अगेन यू नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेशंस, वन इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं इस पॉइंट को पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर हम उसको व्हाट इज प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पे जाएंगे। सो यू कैन सी एज आई सेड अर्लियर दैट द टैक्स इज अमाउंट पेड ऑन द गुड्स प्रॉपर्टी बिजनेस और द ऑन द हेड अदर हेड्स दैट ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। एंड रिमेंबर द टैक्स इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज इनकम टैक्स। What is a direct tax? Direct tax is a tax directly paid to the government on behalf of the individuals, but there is no mediators. For example, यहाँ पर एक example हम ले चुके हैं income tax की, जो directly हम अपने total income पे, चाहे salaried person है तो आप अपनी total income पे, जो mediator नहीं होगा बीच में, there will be no mediator. So in that case, if you are paying directly to the government without any mediators, so that is called as इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स में यहाँ पर आप डायरेक्टली अपनी जो सैलरी होती है उस पर अगर जितना भी टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो बनता है टैक्स लाइबिलिटी बनती है, अगर वो टैक्स आप पे करें गवर्नमेंट को तो वो एक इनकम टैक्स कहलाता है, जिसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच में। तो फिर सेकेंड यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज पेड थ्रू द अदर पर्सन्स टू द गवर्नमेंट, but here we require a mediator to pay this tax. For let's take the example of GST. GST, when you buy the goods or service, so we do not pay the tax directly to the government, there will be a mediator, that's called as a seller or vendors. We paid the tax to the seller or vendors and through that person tax is paid. So यहाँ पर एक example है custom duty, excise और service tax, जो हम receive करने के बाद goods या product purchase करने के बाद जो हम अमाउंट पे करते हैं वो मीडिएटर जो है टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है, बट वी डू नॉट पे द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, बिकॉज प्रीवियस ईयर जो इनकम होती है, जो हमारी अर्निंग होती है, उसी का कैलकुलेशन हम असेसमेंट ईयर में करते हैं। सो लेट्स सी दैट इज व्हाट इज दैट। हियर आई हैव टेकन सम एग्जांपल। तो यहाँ पर जो मैं ईयर लिया हूँ, जो 2019 और 2020, अब ये जो ईयर है हमारा वो प्रीवियस ईयर होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर है, जो हमारी टोटल इनकम जो बन रही है 19 से 20 में, जो 5 लाख रुपीज़ हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम है, जो डैट इज़ अ टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होगा देखिए यहाँ पे, जो 2020 टू 21 ये इसका असेसमेंट ईयर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर में हमारी 5 लाख रुपीज़ इनकम है और इस ईयर में हम टैक्स कैलकुलेट करके उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं पे करते, जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, जैसे अब यहाँ पर 19 और 20 में जो हमारी इनकम है 5 लाख रुपीज़ है, इसका जो टैक्स बनेगा वो हम 20 टू 21 में पे करेंगे, उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर शर्मा है और इनका एक बिजनेस है, एबीसी बेकरी है, मान लीजिए कुछ वो लड्डू बेच रहे हैं। तो यहाँ पर उस बेकरी में उनकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख, 2019 टू 2020 में जो उनकी प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो 5 लाख रुपीज़ है, और ये जो 5 लाख रुपीज़ का कैलकुलेशंस होगा वो असेसमेंट ईयर में होगा, ना के 2019 टू 20 में होगा। तो ये बंदे की जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी डैट इज़ पेड इन द असेसमेंट ईयर। जैसे आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर की जो डेट स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 2019 to 31 मार्च 2020, इट्स एंड्स ऑन, एज यू नो दैट द फाइनेंशियल ईयर इट बिगेंस ऑन 1 अप्रैल, बिगेंस फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च।
फिर उसके बाद आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर, जो फिर नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे इस असेसमेंट ईयर में हम इसकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करके पे करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।